हाय हेलो एंड सलाम, मैं हूं आपका होस्ट NHK यानी के नुमान हबीब खान और ये शो है पाकिस्तान हिस्ट्री का सबसे बड़ा डांस रियलिटी शो जिसका नाम है नचले। वेलकम वंस अगेन टू द सीजन 2 ऑफ द बिगेस्ट डांस कॉम्पिटिशन ऑफ पाकिस्तान जिसका नाम है नचले। नचले सीजन 2 बिहाइंड द सीन शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा नचले सीजन 1 की एक झलक। जहां शुरुआत हुई नच के मैदान में एक जंग, जहां थी दस जोड़ियां, हमारे ऑनरेबल जजेस, उनकी कुछ परफॉर्मेंसेस, कुछ शानदार डांस ट्रैक्स। और फिर हमारे विनर्स का नचले सीजन 1 का टाइटल जीतना। और अब एक बार फिर सजा है डांस का एक खूबसूरत मंच जिसमें फिर से होंगी हमारे पास 10 जोड़ियां। अब डबल जंप नहीं करो, 1, 2, 3, 4 कर ले। दोबारा आओ, दोबारा आओ, आगे पीछे हो गए। एक अर्ज करूं तो ये आप सामने क्यों नहीं करते विद म्यूजिक। नथन को देखा? हाँ। उस टाइप से ये बस वही मूव है, वही मूव। वन टाइम ठीक है, 1। हमारे इस शो के होस्ट हैं फहद मुस्तफा और हैं अनुशे, और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट वो लोग जिनके हाथ में होता है फैसला यानी के फैसल कुरैशी और नूर। बहुत सारी तालियां नूर के लिए। वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मर्स ऑफ पाकिस्तान फैसल कुरैशी। मुझे बहुत खुशी है कि एक आर्ट की ऐसी फॉर्म को हम लोग प्रमोट करने जा रहे हैं जिसके लिए आज तक कभी पाकिस्तान में किसी ने ना मेहनत की ना इसके बारे में सोचा। कॉम्पिटिशन बहुत टफ है और हम लोग बिल्कुल भी इजी नहीं होंगे आप लोगों को। हम ये चाह रहे हैं कि अच्छी से अच्छी चीज जो है ना वो निकल के सामने आए। वेल डन, इट्स रॉकिंग। नचले सीजन 2 शुरू हो चुका है और हमारी 10 जोड़ियों ने एक एक करके नचले के स्टेज पे अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाई। तो चलते हैं अपनी पहली जोड़ी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सहर मिर्ज़ा एंड इज माय पार्टनर। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज उमेर खालिद एंड आवर कोरियोग्राफर्स राजू जे। मैं वैसे डांसर नहीं हूँ, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डांसिंग लाइव। और मैं वैसे अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने कजन की कोई शादी हुई तो डांस करता था, बट मैं ऐसी चैनल स्विच कर रहा था। आई केम ऑन एयरवाय एंड आई सॉ दिस शो एंड आई वॉज लाइक वाओ, ऐसे शो पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, आई वॉज अमेज्ड। फिर मैं यूट्यूब पे गया, डिफरेंट वीडियोज देखी और वहाँ पर जब मैंने तकी अनीला का डांस देखा, बाबर सना का डांस देखा, नुमान बर्दा, तो आई वॉज लाइक यार कम ऑन, मैं भी, मेरा भी दिल हुआ खुद यार अब करो कुछ। आपकी एनर्जी उमेर, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी थी। डांस स्टेप आपने कहीं कोई गलती नहीं की, आपकी एनर्जी बिल्कुल ही नहीं थी।
वो लग रहा था जैसे आप रिहर्सल कर रही हैं उसके साथ. आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज अभी तो नंबर्स नहीं है लेकिन आगे आपने बहुत जान लगानी है. अच्छा कोरियोग्राफ हुआ हुआ था, वेरी गुड. और लेकिन जो मुझे थोड़ा सा मसला लगा वो सिंक्रोनाइजेशन का कई जगह पे लगा, बिकॉज ऑफ जैसे नूर ने कहा कि आपकी एनर्जी जो है वो उनको मीट नहीं कर रही है. तो खैर आज तो चलें माफी है, हमारा ओपनिंग कर्टन रेजर शो हम इसको कह लेते हैं. अभी तो शो की शुरुआत ही नहीं हुई थी कि चंद जोड़ियों ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि वो जजेस की सबसे फेवरेट जोड़ी है. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपनी अगली जोड़ी की जो कि है सरफराज और नेहा. वो टू टाइम है ये वाला. हाँ, ये टू टाइम है. I'm so happy, mashallah, mashallah. I'm very happy. I mean, I have to say something. Now it's rocking. और आई थिंक आप दोनों के एक्सप्रेशन इतने अच्छे थे कि मुझे समझ नहीं आया था कि मैं सरफराज को देखूं या नेहा को देखूं. सो ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस. कोरियोग्राफर्स को भी मैं कहूंगी जाकिर एंड आतिफ. लाइट स्टेप्स लेकिन बहुत अच्छे थे, वेरी नाइस. एंड वी वांट दीस काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस. हम बात करते हैं अपनी अगली जोड़ी की जो कि है मुश्तबा और अलीशा. अक्सर लोग मुश्तबा को नुमान यानी कि मुझ से बहुत रिजेंबल करते हैं. क्या आप ये समझते हैं कि वो मुझ जैसे डांसर हैं? बहुत मजा आया. ऑफ कोर्स चूंकि गाना बहुत अच्छा कोरियोग्राफ हुआ हुआ था बड़े अच्छे तरीके से बाबर और सनी, वेरी गुड, शाबाश. व्हेन यू पार्टनर्स तो आपको स्पेस एक दूसरे को देनी चाहिए ताकि आप दोनों खुले स्टेप्स कर सकें. लेकिन आई एम श्योर कि आप बेहतर हो जाएंगी. मैं आपको डिसहार्ट नहीं कर रही हूँ बट मुज्तबा वेल डन. अब हम चलते हैं अपनी अगली जोड़ी की तरफ जो कि है माया एंड जहांगीर. देखते हैं कि उनकी पहली परफॉर्मेंस कैसी रही. अच्छा था, प्रॉप्स अच्छे यूज हुए, मूव्स अच्छी थी, सारा तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड शेजी एंड गनी, क्या बात. तुम लोगों की मेहनत तो नजर आती है. आई एम सॉरी, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई लेकिन बिकॉज ये फर्स्ट हमारी एपिसोड है उसमें हम लोग कोई नंबर्स नहीं दे रहे तो हम आपको इनकरेज करने के लिए इस बार कह रहे हैं कि आप बेहतर परफॉर्मेंस करें. सीजन 2 स्टार्ट ही हुआ था कि हमारी एक जोड़ी ने आपस में बहुत अच्छी दोस्ती कर ली थी. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपनी अगली जोड़ी हम्माद एंड साइमा की. ये
गोरी 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 कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी छुप छुप के तुम मिला करो प्यारी प्यारी बातें बातें किया करो पर यूं ना मिलना किसी से कभी हमारे से बात बट ये गुड एफर्ट तुम लोग बहुत अच्छा कर सकते हो. मैं आज सबको ये कह रहा हूं, मैं किसी एक को यहां खड़ा करके नहीं कह रहा हूं, मैं आज सबको ये कह रहा हूं कि मुझे नजर आ रहा है कि इन लोगों ने जिन जिन लोगों से डांस करवाया हुआ है और अब ये तुम लोगों से करवा रहे हैं, आई एम श्योर कि इन माई थर्ड और फोर्थ प्रोग्राम तुम लोग कहां खड़े हो गए. मैं चाहता हूं कि तुम लोग जाओ वहां तक और हमारे लिए प्रॉब्लम हो नंबर्स देने में. मुझे आप दोनों की परफॉर्मेंस एनर्जी बहुत अच्छी लगी, एक्सप्रेशंस भी आपके ठीक थे और कई जगह पे बहुत मिसिंग था, कहीं पे आप दोनों थोड़े हुए थे, लेकिन एनर्जी से और आपके हैप्पी एक्सप्रेशन जो कि दांत बार थे बिल्कुल, उससे आपने कवर कर लिया. सो नेक्स्ट टाइम वील बी जजमेंटल, मेक श्योर कि आप सबकी परफॉर्मेंस बेहतर हो. ऑल द बेस्ट. हमारी अगली जोड़ी है उमेर एंड शिब्रा की जो कि लाहौर से बिलोंग करते हैं, तो आइए देखते हैं कि उन्होंने कैसे परफॉर्म किया. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमेर है और मैं लाहौर से आया हूँ. मैंने यहाँ पे नचले वन में बहुत ज़्यादा लोगों को देखा, लाइक बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, जैसे जजेस के कमेंट्स देखे और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने नचले टू में परफॉर्म करने का सोचा. और इसके अलावा मेरे साथ मेरी जो पार्टनर है शिब्रा, वो बहुत अच्छा कर रही हैं और जो हमारे सिखाने वाले हैं ख़ास तौर पे नादिर भाई और उस्मान, बहुत बहुत ज़्यादा हम लोगों पे मेहनत कर रहे हैं. अब लोग हमारी हालत देख ही रहे होंगे कि हम लोग किस रंग की हालत में हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने हम पे बहुत मेहनत की है. बहुत आउट ऑफ सिंक हुए हो, बहुत जगह निकल गए देख देख के पकड़े हो डांस, कई जगह तो ऐसा लग रहा था कि चलो कर लेते हैं. अच्छा ये भी था, हाँ हाँ हाँ, कई जगह ये वाली चीज आई है. अभी टाइम है, आज हो गया जो हो गया, कंपटीशन में नहीं होगा ये. ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल नादर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा डांस, लेकिन मैं यही कहूंगी कि बिकॉज पहली हमारी अभी ये स्टार्ट किया हमने शो का और इसमें कोई एलिमिनेशन नहीं है, इसलिए हम लोग सबको अभी सबक दे रहे हैं कि बेटा बेहतर करो बेहतर करो. तो आपको भी कहेंगे, इनफैक्ट मैं इसलिए कोरियोग्राफर नादिर साहब को भी कहूंगी प्लीज नेक्स्ट टाइम आप उनको इस तरह के गाने दें जो कि वो कर सके. अगर वो नहीं, अगर इस तरह का गाना लेते हैं तो फिर एनर्जी, फिर स्टेप्स ऐसे हों कि हम भी उठ जाएं अपनी चेयर से, और आपको पता है अक्सर मैं उठ जाया करती हूँ.